लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन एआई, और हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि नॉलेज या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो एआई में क्यों ज़रूरी है, कि उसके बिहाफ पे एजेंट या जो भी सिस्टम होता है वो नई नॉलेज को ड्राइव करता है, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग करता है। और रीजनिंग आज हमारी कोर्स में इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी तरीके इस तरीके से नॉलेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उस स्कीम से, मतलब उस रिप्रेजेंटेशन से किस तरीके से हम नई नॉलेज को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो रीजनिंग करनी है, उस रीजनिंग से पहले जो जिस फॉर्म में नॉलेज को लिखा जाता है, जिसकी मदद से रीजनिंग आसान हो जाती है, वो कहलाती है प्रोपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। देयर आर सम लिमिटेशंस इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसकी वजह से हमें कहाँ जाना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे। लेकिन पहले हम प्रोपोजिशनल समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की। ये देखिएगा, बेसिकली व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक इज रीजनिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। मतलब आप किसी भी आर्गुमेंट के वैलिड होने की के बारे में रीजनिंग करें, वो कहलाती है लॉजिक। और कोई भी आर्गुमेंट जो होता है वो वैलिड होता है अगर वो अपने कॉन्क्लूजन को लॉजिकली, उसका कॉन्क्लूजन जो है वो लॉजिकली उसके प्रीमिसेस को फॉलो कर रहा हो। प्रीमिसेस और कॉन्क्लूजन में क्या था, अगर इफ यू रिमेम्बर, प्रीमिसेस क्या होता है इफ पार्ट, और कॉन्क्लूजन क्या होता है देन पार्ट। जो किसी भी रूल का इफ पार्ट होता है वो कहलाता है प्रीमिसेस, दिस वन। प्रीमिसेस क्या कहलाता है, जो इफ पार्ट होता है, एंड जो कॉन्क्लूजन होता है वो क्या कहलाता है, देन पार्ट। दे आर सेइंग एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ इट इज कॉन्क्लूजन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस। इसका मतलब यह है कि एक आर्गुमेंट हमेशा वैलिड होगा अगर उसका कॉन्क्लूजन फॉलो कर रहा हो उसके प्रीमिसेस को, इवन इफ द आर्गुमेंट डजंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड। चाहे हमें ये लग रहा हो कि नहीं यार ये रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर उसका कॉन्क्लूजन उसके प्रीमिसेस को लॉजिकली फॉलो कर रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्क्लूजन, मतलब ये आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। अब हमें गिवन है ऑल लेमन्स आर ब्लू, इन द रियल वर्ल्ड ये सही बात नहीं है। कह रहे हैं कि इफ द आर्गुमेंट डजंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड, ऑल लेमन्स आर ब्लू, हमें पता है कि लेमन ब्लू नहीं होते, लेकिन हमें ये गिवन है, तो वी नीड टू गेट कि भाई हमें गिवन है तो हम मान लेंगे। तो ऑल लेमन्स आर ब्लू एंड मैरी इज अ लेमन, एक बंदी या बंदे का नाम है मैरी इज अ लेमन, ये दोनों जो हैं वो रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन चूंकि हमें गिवन है तो इन दोनों लाइन से जो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है वो ड्रॉ क्या हो रहा है, ऑल लेमन्स आर ब्लू एंड मैरी इज अ लेमन, तो वी कैन कंक्लूड मैरी इज ब्लू। ऑल लेमन्स आर ब्लू और मैरी लेमन है, तो अगर मैरी लेमन है तो लेमन क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, तो मैरी क्या हो गया, क्या मैरी क्या हो गई, ब्लू हो गई, तो देयरफॉर मैरी इज ब्लू। अब अगेन ये रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि ये प्रीमिसेस को फॉलो कर रहा है कंक्लूजन, तो मैं कहूंगा कि भाई ये आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। आर यू गेटिंग मी, इसकी एग्जांपल है, अभी हम बात करेंगे। देखिएगा, लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन की दो टेक्निक्स हैं, एक कहलाती है प्रोपोजिशनल लॉजिक जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं, और दूसरी कहलाती है हमारे पास प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रेडिकेट कैलकुलस और प्रेडिकेट कैलकुलस का दूसरा नाम है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से शायद इसको पढ़ा हुआ हो, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेडिकेट कैलकुलस। अलजेब्रा भी एक फॉर्मल लॉजिक है, लेकिन वो नंबर्स को डील करती है। अलजेब्रा भी एक फॉर्मल लॉजिक है, लेकिन नंबर को डील करती है। प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रेडिकेट कैलकुलस क्या है, प्रोपोजिशंस को डील करती है। ठीक है, प्रोपोजिशंस क्या होते हैं देखते हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, ए स्टेटमेंट आर सेंटेंसेस दैट क्लेम सर्टेन थिंग्स कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट दी हुई होगी किसी सेंटेंस के बारे में और उसको क्लेम करेगा इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब क्या है कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होती है वो प्रोपोजिशंस को डील करती है, और प्रोपोजिशनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर किसी भी प्रोपोजिशनल प्रोपोजिशन को समझाना है तो आपके पास दो कॉन्स्टेंट है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है,
और अगर हम उन कॉन्स्टेंट्स को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें तो टी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? या तो किसी भी प्रोपोजिशन की टी होगी वैल्यू या एफ होगी। मैं कहूंगा ये प्रोपोजिशन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन होती है स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, किसी भी फैक्ट की स्टेटमेंट। फैक्ट का मतलब क्या है? वो इवेंट जो गिवन है। ये देखिएगा, हम जब भी किसी प्रोपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, तो हम किसी भी प्रोपोजिशन को किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं ताकि बार बार हमें ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत पेश ना आए और हम सही उसको लिखते हैं। देखें, असाइन अ सिंबॉलिक वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, पी इट इज रेनिंग, पी इट इज रेनिंग, क्यू आई कैरी एन अम्ब्रेला। जब भी मैं पी लिखूंगा तो आप ये समझ जाएंगे कि मैं इट इज रेनिंग की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं क्यू लिखूंगा यह समझ जाएंगे आई कैरी एन अम्ब्रेला। अगेन, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी क्लासिफाइड एज ए ट्रू और फॉल्स। जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसको या आप या तो ट्रू करते हैं हमेशा या फॉल्स करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो किसी चीज के बारे में होता है, आप किसी चीज के बारे में या तो बात सही होगी या गलत होगी, चेंज नहीं होगी। देखें, जैसे मैं एग्जाम्पल दू, द प्रोपोजिशन अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड इज ऑलवेज ट्रू। एक प्रोपोजिशन में दे रहा हूं आपको, अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड। अब ये अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड हमेशा ट्रू होगा क्योंकि हमेशा रेक्टेंगल की चार साइड्स ही होती हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये वो प्रोपोजिशन है जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू होगी। इसी तरीके से द प्रोपोजिशन द वर्ल्ड इज अ क्यूब, फॉल्स। वर्ल्ड क्यूब नहीं है, सही है? वर्ल्ड जो है वो क्यूब नहीं है, वर्ल्ड क्या है? सर्किल। वर्ल्ड इज अ क्यूब इज फॉल्स, इज ऑलवेज फॉल्स। तो कुछ प्रोपोजिशन ऐसे होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, कुछ प्रोपोजिशन ऐसे होते हैं जो हमेशा फॉल्स होते हैं, लेकिन कुछ प्रोपोजिशन ऐसे होते हैं जो कभी ट्रू होते हैं कभी फॉल्स होते हैं। जैसे मैं एक प्रोपोजिशन दूं, इट इज रेनिंग पी, तो कभी पी की वैल्यू ट्रू होगी, कभी पी की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। हमेशा बारिश नहीं होगी और हमेशा बारिश नहीं होगी। तो समटाइम्स पी की वैल्यू ट्रू होगी, समटाइम्स पी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू मे बी डिटरमाइंड, सो ईच वेरिएबल इज अ ट्रूथ वैल्यू, ठीक है ना? तो अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस, एक प्रोपोजिशन एक सेंटेंस होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा डिटरमाइन की जाती है, हमेशा ट्रूथ वैल्यू होती है उसकी, कोई या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो किसी भी प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से काम करना होता है। ये देखिएगा, ये इसकी समरी है और इसको एक्सप्लेन करते हैं। लॉजिकल कॉन्स्टेंट होते हैं ट्रू या फॉल्स। किसी भी प्रोपोजिशन को आप किसी भी सिंबल से डिफाइन कर सकते हैं, पी क्यू एस ए बी सी डी, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है? पैरेंथेसिस यूज होते हैं एक को दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इन सेंटेंसेस को जो प्रोपोजिशनल कॉन्स्टेंट है या सिंबल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पांच तरह के हमारे पास कनेक्टिव्स हैं। उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पांच तरह के हमारे पास कनेक्टिव्स हैं, और वो पांच तरह के जो कनेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं। एक कनेक्टिव कहलाता है दिस वन, दिस सिंबल। इसको हम एंड पढ़ते हैं या कंजंक्शन? इसको हम एंड पढ़ते हैं या कंजंक्शन? इसको हम एंड पढ़ते हैं या कंजंक्शन? अभी समझाता हूं इसको डिटेल में। इसी तरीके से ये कनेक्टिव है जिसको हम और पढ़ते हैं या डिसजंक्शन? एंड और। एक कनेक्टिव ये है इंप्लाइज दैट, जिसे हम इम्प्लीकेशन या कंडीशनल भी पढ़ सकते हैं। एक कहलाता है जिसके दोनों तरफ एरो है, ये कहलाता है इज इक्विवेलेंट और बाई डायरेक्शनल या इट इज बिलोंग टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अभी हम थोड़ी देर में देख भी रहे, फिर उसका काम समझ में आएगा। और एक कहलाता है निगेशन या नॉट, ठीक है ना? तो ये पांच कनेक्टिव हैं। इसको थोड़ा सा AI पे मैप करके पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये अब, और किसी भी एटॉमिक सेंटेंस को हम लिटरल कहते हैं, लिटरल। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये देखिएगा, कुछ प्रोपोजिशनल लॉजिक सेंटेंस की एग्जांपल दे रहे हैं, फिर इनको प्रॉपर समझा देंगे आपको। कि फर्ज करें, अगेन मुझे कोई प्रोपोजिशनल सेंटेंस दिया हुआ होगा तो मैं उसको किसी भी सिंबल असाइन कर दूंगा। तो फर्ज करें मुझे पी दिया हुआ है, पी का मतलब है इट इज हॉट, और मुझे क्यू गिवन है, क्यू का मतलब है इट इज ह्यूमिड, और मुझे आर दिया हुआ है, आर का मतलब है इट इज रेनिंग। अब मुझे एक इनके आपस में कनेक्टिव बना के दो एक लिटरल मिलाकर उसके साथ कनेक्टिव बना दिया, पी एंड क्यू इम्प्लाइज दैट आर, पी एंड क्यू इम्प्लाइज दैट आर। तो अगेन इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं सिर्फ अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। इफ इट इज हॉट, पी मीन्स हॉट एंड क्यू मीन्स ह्यूमिड। इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड देन इट इज रेनिंग। अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो आर ट्रू होगा। इफ If this bracket is true, if this bracket is true, then R true. If this bracket is true, then R true. R किस पर डिपेंडेंट है? P एंड Q पे, ठीक है? ये देखिएगा, Q
क्यू इंप्लाइज पी, इफ इट इज हिमिड देन इट इज हॉट. मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको आगे चल के ना, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर जाए. ये अगर चार्ट पूरा हम समझ लें, ये चार्ट अगर हम पूरा समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो देखें, हमने सिर्फ दो सेंटेंस लिए, एक पी एक क्यू. आप अपने पास ये सोचिए कि पी का मतलब है इट इज रेनिंग, पी मतलब इट इज रेनिंग, एंड क्यू मतलब आई हैव एन अम्ब्रेला. पी मीन्स इट इज रेनिंग एंड क्यू मतलब क्यू मीन्स आई हैव एन अम्ब्रेला. पी मीन्स इट इज रेनिंग, पी मीन इट इज रेनिंग. And Q means I have an umbrella. Q. P means it is raining and Q means I have an umbrella. अब ये टेबल समझते हुए आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर P की वैल्यू पे लिखा हुआ है फॉल्स, अगर P की वैल्यू पे लिखा हुआ है फॉल्स तो इट मीन इट इज नॉट रेनिंग. Are you getting me? अगर P की जगह पे लिखा हुआ है false, तो इसका मतलब है it is not raining. अगर Q की जगह पे लिखा हुआ है false, तो इसका मतलब है I don't have an umbrella. अगर Q की जगह पे लिखा हुआ है true, तो I have an umbrella. अगर P की जगह पे लिखा हुआ है true, तो it is raining. Are you getting me? Yes, sir. अब देखें इस example को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखें. सबसे पहले हम सिंपल कनेक्शन ले लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है और हमें समझ में भी आ जाते हैं. तो लाइक पी एंड क्यू, इसके हम एंड डिस्जंक्शन और कंजंक्शन समझ लेते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है और इसमें तो कुछ बताने का है भी नहीं. तो ये एंड है, इसका मतलब है ये कंडीशन जब ही ट्रू होगी जब ये दोनों ट्रू होंगे. इसका मतलब है अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो पी एंड क्यू वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. ये तो हम सबको पता है कि सिंस इट इज नॉट रेनिंग आई हैव एन अम्ब्रेला, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी. ये सिर्फ ट्रू कब होगी अब दोनों ट्रू होंगे. तो इस वाले कॉलम में हमें मसला नहीं है ना, दिस वन. ठीक है, इसमें क्या है, पी और क्यू कोई भी एक ट्रू होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. ये दोनों बहुत सिंपल है, ये एंड है, ये और है. लेकिन मैं इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि आई बिलीव कि इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर याद भी है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है. पहले मैं इस कॉलम को समझा रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट. देखिए इम्प्लाइज दैट का कॉलम समझने के लिए आपने एग्जांपल को इस तरीके से समझना है, इफ पी ट्रू देन क्यू ट्रू. अगर पी ट्रू होगा तो क्यू को लाजमी ट्रू होना है, अगर पी ट्रू होगा तो क्यू को लाजमी ट्रू होना है, अगर पी ट्रू नहीं है तो क्यू ट्रू हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर पी ट्रू होगा तो क्यू को लाजमी ट्रू होना है, अगर P Q ट्रू होगा तो Q को लाजमी ट्रू होना है, बट अगर P ट्रू नहीं है तो Q ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. मतलब P के ट्रू पे डिपेंडेंट है Q, P के फॉल्स पे डिपेंडेंट नहीं है. मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. सबसे पहली एग्जांपल देखें, P फॉल्स है, Q फॉल्स है, P फॉल्स, Q फॉल्स, P इंप्लाइज Q क्या है, ट्रू. देखें, इट इज नॉट रेनिंग देन आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला. बारिश नहीं हो रही, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है. कंडीशन ट्रू इसलिए नहीं है कि बारिश नहीं हो रही, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, नहीं. कंडीशन ट्रू इसलिए है कि पी चूंकि फॉल्स है तो क्यू कुछ भी हो सकता है, पी चूंकि फॉल्स है तो क्यू कुछ भी हो सकता है, तो क्यू फॉल्स है, उसकी मर्जी. ये कंडीशन ट्रू हो गई. इसका मतलब पी इंप्लाइज क्यू इस वक्त ट्रू क्यों है कि सिंस आई डोंट इट इज नॉट रेनिंग आई डोंट हैव अम्ब्रेला. इस एग्जांपल को समझिए आखिरी वाली, सिंस इट इज रेनिंग देन आई हैव एन अम्ब्रेला. चूंकि बारिश हो रही है तो मेरे पास अम्ब्रेला होनी चाहिए, अगर P ट्रू है तो Q को लाजमी ट्रू होना चाहिए, अगर P ट्रू है तो Q को लाजमी ट्रू होना चाहिए. देखें, चूंकि P ट्रू है तो Q ट्रू है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई. P इंप्लाइज Q ट्रू है. अब ये वाली कंडीशन समझे, फिर ये वाली कंडीशन देखें. P फॉल्स है, भाई बारिश नहीं हो रही लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला है, आंसर लिखा हुआ ट्रू. बारिश नहीं हो रही लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला, आंसर ट्रू क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं. देखिए, पी अगर फॉल्स होगा तो क्यू की मर्जी है, वो कुछ भी हो जाए. पी इंप्लाइज क्यू ये कहता है कि P
पी के ट्रू होने पे क्यू डिपेंडेंट है, पी के फॉल्स होने पे क्यू डिपेंडेंट नहीं है। बारिश नहीं हो रही, मेरे पास अम्ब्रेला है, कंडीशन ट्रू क्यों है? कि हो सकता है मैंने अम्ब्रेला धूप की वजह से ली भी हो सकता है अम्ब्रेला मैंने धूप की वजह से ली भी हो। तो पी के फॉल्स होने पे क्यू डिपेंडेंट नहीं है। ये देखें, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो रही है, ये देखें थर्ड वाली एग्जांपल, पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, बारिश हो रही है मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स क्यों है? ये कंडीशन इतनी है फॉल्स है कि भाई अगर बारिश होगी तो मेरे पास लाजमी अम्ब्रेला होनी चाहिए, अगर पी ट्रू होगा तो मेरे पास क्यू भी होना चाहिए लाजमी ट्रू। आर यू गेटिंग मी? तो इन तीनों में सिर्फ ये वाली कंडीशन फॉल्स क्यों होती है? नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इन तीनों में ये कंडीशन क्यों ट्रू होती है? इन तीनों में ये कंडीशन इसलिए ट्रू होती है कि चूंकि यहां पर देखें पी फॉल्स है तो क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पी ट्रू होगा तो क्यू को ट्रू होना चाहिए। यहां पर देखें पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो पी इंप्लाइज क्यू फॉल्स हो रहा है, पी के ट्रू है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपको अम्ब्रेला और उससे निकल के बाहर ही समझ में आए। ये देखिएगा, जी क्या लिखा हुआ है? x कैन बी एनी नंबर, x कैन बी एनी नंबर, ये दिख रहा है ना आपको, प्राइम x इंप्लाइज दैट ऑड x, ये दिख रहा है ना प्राइम x इंप्लाइज दैट ऑड x। जी मुझे बताइए एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? अब मैं इसी को p और q पर रख देता हूं, तो अगर प्राइम एक्स होगा तो उसको लाजमी ऑड होना है, तलहा अगर प्राइम एक्स होगा तो उसको लाजमी ऑड होना है, लेकिन अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट करें 23, एक्स की वैल्यू क्या है 23, तो नंबर प्राइम है, अगर नंबर प्राइम है तो वो लाजमी ऑड भी है, नंबर 23 प्राइम है तो ऑड भी है, लेकिन फर्स्ट करें 25 प्राइम नहीं है, ये वाली कंडीशन 25 प्राइम नहीं है, सेकंड वाली फॉल्स, 25 प्राइम नहीं है लेकिन 25 ऑड है, तो पी इंप्लाइज ऑड इज ट्रू। आर यू गेटिंग मी? जिसकी समझ में नहीं आया बता दे। और डेफिनेटली ये हर जगह पे नहीं लगा सकते आप, ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे लग सकता है, हर किसी को इस पे फिट करेंगे तो नहीं होगा वो। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने ये कंडीशन कहीं लगा दी, डेफिनेटली ऐसा ही है, अगर आपने एक कंडीशन किसी ऐसी जगह पे लगा दी, मैं मानूंगा उस बात को क्योंकि आपने लगाई है, एज अ अगर आप मुझे गिवन दे देंगे कि भाई ये चीज इंप्लाइज दैट दिस ट्रू, ऑल्दो कि ना होती है वो ट्रू, लेकिन मैं उसको मानूंगा फिर क्योंकि मुझे गिवन है। मैंने शुरू में एक बात बोली ना कि अगर वो शुरू में आपको दे दे ऐसी चीज तो आपको रियल वर्ल्ड से रिफ्लेक्ट ना भी करियो तब भी आप माने। क्लियर हो गई ये बात? इसकी मिसाल और ले लेते हैं कि अगर मेरा दोस्त मेरे घर पे आएगा तो मैं खाना खाने जाऊंगा, सही है? अगर मेरा दोस्त मेरे घर पे आएगा तो मैं खाना खा, इफ माय फ्रेंड कम्स माय होम्स देन इंप्लाइज दैट आई विल बी गोइंग टू डिनर। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं खाना खाने उस अपने दोस्त के बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा दोस्त आएगा तो मैं लाजमी जाऊंगा। अब अगर मेरा दोस्त नहीं आ रहा, मेरी मर्जी है, मैं अकेले भी जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा दोस्त आया और मैं नहीं गया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये चीज के ट्रू पे डिपेंडेंट है दिस थिंग। सबकी समझ में आ रही है ये बात? तो जो बाद वाली चीज है ना वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर पहले वाली चीज हो रही है तो बाद वाली चीज को लाजमी होना है, अगर ये चीज होगी तो ये चीज होगी। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, हो सकता है तुमने अच्छा ना पढ़ा हो ऐसे भी पास होगा, रीजन आपको पता है कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है ना? सही ना? अगर फारूक रात को जल्दी सोएगा तो सुबह क्लास में देर जल्दी आ जाएगा, अगर रात को जल्दी सोता है तो लाजमी है कि सुबह जल्दी आ जाएगा, लेकिन भाई अगर रात को नहीं सोया वो सुबह जल्दी आ सकता है, वो हो सकता है भाई अलार्म उसने बहुत सारी लगा ली हो, इसको उठा दे। तो डिपेंड देखें, ये चीज ट्रू पे तो डिपेंडेंट है, फॉल्स पे नहीं है। आर यू गेटिंग मी? अगर एक बंदा एक काम नहीं करता तो भी वो बाद वाला काम हो सकता है, लेकिन अगर पहले वाला काम हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा जल्दी सो जाए और जल्दी ना उठे, एक बंदा जल्दी सो गया है तो ये कंडीशन कहती है कि वो जल्दी उठेगा भी। सही है भाई? क्लियर हो गई ये बात?
ये कहलाता है implies that. और definitely तला वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम कि ये हर केस पे नहीं लगा सकते आप, या आप हर केस पे नहीं लगा सकते, ठीक है? ये जिन केसेस पे आपने लगा दिया मैं मानूंगा. अब ये आखिरी वाला कॉलम देख लें, लास्ट कॉलम इज इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, देखिए आप मैं प्राइम ऑड पे नहीं लगा सकता ऐसे, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि पी इंप्लाइज क्यू. अब बारिश वाली एग्जांपल पे ले लेते हैं. अगर मेरे पास अम्ब्रेला जब ही होगी जब बारिश हो रही है, और अगर बारिश हो रही होगी तो मेरे पास अम्ब्रेला होगा. इसका मतलब है दोनों आपस में डिपेंडेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ. देखें अम्ब्रेला नहीं है मेरे पास, सॉरी बारिश नहीं हो रही, पहली कंडीशन देखें बारिश नहीं हो रही, अम्ब्रेला भी नहीं है, कंडीशन सही है, क्योंकि देखें बारिश नहीं हो रही मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, कंडीशन सही है. आखिरी कंडीशन देखें बारिश हो रही है अम्ब्रेला है, ट्रू. लेकिन यहां क्या कह रहा है, बारिश नहीं हो रही मेरे पास अम्ब्रेला है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कहता है कि दोनों आपस में डिपेंडेंट है. अगर एक काम होगा तो दूसरा हो रहा है. अगर फर्ज करने में पास हुआ हूं तो मैंने मेहनत ही की होगी, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास भी नहीं होऊंगा, डिपेंडेंट है आपस में. ये कहलाता है बाय डायरेक्शनल, ये भी हर केस पे नहीं लग सकता. इसकी कोई एग्जांपल दें, मैं अम्ब्रेला जब ही रखूंगा अपने पास जब बारिश हो रही होगी. अगर बारिश नहीं हो रही तो मेरे पास अम्ब्रेला नहीं होनी चाहिए, अगर बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला है तो कंडीशन फॉल्स. अगर बारिश नहीं हो रही और मेरे पास अम्ब्रेला है तो कंडीशन फॉल्स, अगर बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है तब भी कंडीशन फॉल्स. इफ एंड ओनली इफ कहलाता है, दोनों आपस में डिपेंडेंट. मैं खाना खाने बिल्कुल एफ आई बाय डायरेक्शनल, मैं खाना खाने जब ही जाऊंगा जब मेरा दोस्त आएगा. मैं खाना खाने नहीं गया मेरा, इसका मतलब है मेरा दोस्त नहीं आया, सही है? मैं खाना खाने गया हूं, इसका मतलब है मेरा दोस्त आया है. मेरा दोस्त आया है इसका मतलब है मैं खाना खाने गया हूं. कोई भी एक चीज नहीं हो सकती, तो ये क्या है बाय डायरेक्शनल. आर यू गेटिंग मी? मैं यूनिवर्सिटी जब ही जाऊंगा कि जब मेरा दोस्त मुझे लेने आएगा. मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया और मेरा दोस्त लेने नहीं आया, इसमें कंडीशन नहीं हो सकती. पॉइंट क्लियर हो गया ये? तो देखें इसके फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकते हैं. अब हम एक्सप्लेन इंडिविजुअल नहीं कर रहे कि व्हाट इज पी व्हाट इज एच, लेकिन फर्स्ट करें पी और एच तो उसके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकते हैं. देखें इसको देख लीजिएगा, ये सिंपल ट्रुथ टेबल के हिसाब से समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल दीजिए कि पी इम्प्लाइज क्यू हमेशा ट्रू होता है, सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होता है कि पी ट्रू हो और क्यू क्या हो जाए फॉल्स हो जाए, सही है? ये एग्जांपल दी हुई देखे मैंने प्राइम एक्स की ऑड एक्स, सही है? अच्छा फिर कुछ टर्म्स इसके अंदर आ जाती है, पांचों समझ में आ गए हमें. एक तो निगेशन होती है, निगेशन तो सिंपल आप इन्वर्ट कर देते हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर देते हैं, ठीक है? ये देखिएगा एक दो टर्म्स और हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं. एक कहलाता है वैलिड सेंटेंस या टोटोलॉजी, एक कहलाता है वैलिड सेंटेंस या टोटोलॉजी. वैलिड सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली वैलिड सेंटेंस या टोटोलॉजी वो सेंटेंसेस होते हैं जो हर केस में ट्रू होते हैं, मतलब हमेशा ट्रू होंगे. कुछ ऐसा आपको सिनेरियो दिया हुआ हो कि उनके सारे कॉम्बिनेशन हमेशा आखिर में ट्रू आंसर कर रहे हैं. तो मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, सिंपल सी है, मैं आपको थोड़ा आगे दिखा भी दूंगा. फर्ज करें ये सेंटेंस है हमारा, इट इज रेनिंग और इट इज नॉट रेनिंग, और लगा हुआ बीच में. तो फर्ज करें पी है इट इज रेनिंग, तो अगर पी की वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. इट इज रेनिंग और इट इज नॉट रेनिंग, कोई एक कंडीशन हमें ट्रू हो रही होगी, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है तो और लगा हुआ बीच में, तो अगर कोई एक वन होगा तो दूसरा जीरो होगा, कोई अगर जीरो होगा तो दूसरा क्या होगा वन होगा. तो कंडीशन हमेशा क्या देगी आंसर आपको, ट्रू देगी. ऐसा सेंटेंस जो हमेशा आपको ट्रू आंसर दे रहा हो वो क्या कहलाता है, टोटोलॉजी. ऐसा सेंटेंस जो आपको हमेशा ट्रू आंसर दे रहा हो वो क्या कहलाता है, टोटोलॉजी. क्लियर हो रही है बात? ऐसा सेंटेंस जिसके सारे कॉम्बिनेशन हमेशा ट्रू आंसर दे रहे हो वो क्या कहलाता है, फाइनल में टोटोलॉजी कहलाता है. और एक सेंटेंस कहलाता है इनकंसिस्टेंट या कॉन्ट्रडिक्शन, इनकंसिस्टेंट या कॉन्ट्रडिक्शन. तो बिल्कुल वाइस वर्सा है, जो टोटोलॉजी है उसका अपोजिट है. ऐसा सेंटेंस
जो हमेशा फॉल्स आंसर देता हो, जिसके तमाम कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनल आंसर में फॉल्स देते हो, वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, इट इज रेनिंग एंड इट इज नॉट रेनिंग, एंड लगा हुआ है, तो अगर इट इज रेनिंग ट्रू होगा तो इट इज नॉट रेनिंग फॉल्स हो जाएगा, अगर इट इज रेनिंग फॉल्स होगा तो इट इज नॉट रेनिंग क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बस मैं लास्ट वाला स्किप कर रहा हूँ, अभी आगे बताता हूँ। ये देखें टोटोलॉजी है। फर्ज करें हमें ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है पी और क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन पी और क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू हमें दिया हुआ है, सही है। हमने क्या किया, P, Q के चारों कॉम्बिनेशन लिखे, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर हमने इसके सेंटेंस को तोड़ा, P और Q अलग से निकाला, P और Q तो हमें पता है P और Q अलग से अगर निकालेंगे तो सिर्फ फॉल्स यहां पर आएगा, तीनों ट्रू जाएंगे। नॉट P एंड नॉट Q निकाला, ये देख लीजिएगा, इनका जब फाइनल ये रिजल्ट निकाला तो इसके चारों कॉम्बिनेशन ट्रू आंसर दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, चारों कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहे हैं? ट्रू आंसर दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस मैं इजीली कह सकता हूँ, ये पूरा सेंटेंस क्या है? टोटोलॉजी है। ये पूरा सेंटेंस क्या है? टोटोलॉजी है। तो आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए ये टोटोलॉजी है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे टोटोलॉजी का? बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं, आप टोटोलॉजी का कैसे बताएंगे? आप उसका ट्रू टेबल बनाएंगे और उसके सारे कॉम्बिनेशन आखिर में क्या आने चाहिए? ट्रू आने चाहिए, सही है। ये देखिएगा, ये टोटोलॉजी है या नहीं है, सोच के बताइए। कैसे इतनी जल्दी कैसे बता दिया? इतनी जल्दी कैसे बता दिया? तो मुझे भी नहीं पता, ट्रू टेबल बनाना पड़ेगा इसका। तो ट्रू टेबल बना लेते हैं ना इसका। देखें, अगर हम यहां पर P लिख लें और यहां पर Q लिख लें, और फिर हम क्या करें? नहीं, वैल्यूज तो आपको गिवन है, अब आप क्या करें? आप यहां पर लिखते हैं P का पहला F, दोनों F हैं, ठीक है, दोनों एफ हैं, शुरू में दोनों एफ, वैल्यूज तो गिवन है आपको, चारों कॉम्बिनेशन ले लें आप फारूक, एफ हो गया, फिर एक ले लें टी और दूसरा ले लें एफ, फिर आप ले लें एफ टी, फिर आखिरी क्या ले लें? टी टी। तो अगर आप ये चारों कॉम्बिनेशन ले लें और पूरा ट्रू टेबल डिजाइन कर दें और आखिर में देखें इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आ रहा है या कहीं एक पर भी फॉल्स आ रहा है, अगर सब जगह ट्रू आ रहा होगा तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे टोटोलॉजी है, अगर किसी एक जगह पे भी फॉल्स आ रहा होगा तो आप कह देंगे टोटोलॉजी नहीं है, सही है। तो यहाँ पर आप लिखें पी एंड क्यू, यहाँ पर लिखें क्यू एंड पी, पी एंड क्यू, क्यू एंड पी। तो अगर मैं पी एंड क्यू लिखूं और ये देखें, अगर मैं लिखूं P implies Q, हाँ P implies Q, ठीक है, अगर मैं यहां पर P implies Q लिख सकूं तो यहां पर देखें ये P implies Q तीन पे ट्रू देगा, एक पे फॉल्स देगा, जिस पे फॉल्स देगा वो ये कंडीशन है, ठीक है, जिस पे फॉल्स देगा वो ये कंडीशन है, बाकी सब पे क्या देगा? ट्रू देगा। हमें पता है बात, हमने पीछे देखा हुआ है कि ये फॉल्स कब देता है, ये फॉल्स जब देता है जब P ट्रू हो और Q क्या हो? फॉल्स हो, बाकी सब जगह पे ट्रू होता है, सही है। अगर हम Q implies P की बात करें, अगर हम Q implies P की बात करें तो ये Q implies P है, तो इसके रेफरेंस से लिखना है। तो देखिए Q फॉल्स है, P भी फॉल्स है, ट्रू हो गया। अब देखिए Q फॉल्स है, P ट्रू हो गया, Q फॉल्स है, P ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि अगर पहले वाला फॉल्स हो तो बाद वाला ट्रू हो सकता है। देखें पहले वाला फॉल्स है, बाद वाला ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन पहले वाला ट्रू है, बाद वाला फॉल्स नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, और दोनों ट्रू हैं। अब अगर हम इसका
आखिरी कॉलम ड्रॉ करें तो आखिरी कॉलम हमें क्या कहता है, आखिरी कॉलम हमें ये कहता है कि ये वाली पूरी स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो देखें इन दोनों कॉलम्स का आपस में क्या करना है, हमें और लेना है। तो देखें यहाँ पर दोनों टी हैं तो ये भी टी हो गया, यहाँ पर एक एफ है एक टी है, कोई एक टी होता है तो टी हो जाता है मतलब ट्रू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक टी है एक एफ है तो ट्रू हो गया, और यहाँ पर भी दोनों टी है तो ट्रू हो गया। तो देखें आखिरी कॉलम दोनों का क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, चारों का ट्रू आ रहा है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, टोटोलॉजी है। आर यू गेटिंग मी? आपने ट्रू टेबल बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। अगर फर्ज करें यहाँ पर लिखा होता पी क्यू एंड आर और कुछ और कॉम्प्लेक्स का सिस्टम होता तो ये चार नहीं बनते, कितने बनते, पी क्यू आर के कितने कॉम्बिनेशन बनते, आठ, आठ कॉम्बिनेशन बनते। सही है, चले आगे बढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर के कितने कॉम्बिनेशन बनते, आठ कॉम्बिनेशन बनते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई टोटोलॉजी प्रूव करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी, ट्रू टेबल बनाना पड़ेगा। ये देखें, अच्छा लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है दो प्रोपोजिशंस की आपस में, कि दो सेंटेंस आपस में बराबर होंगे तो कैसे प्रूव होगा, अगेन उनके कॉलम की हर वैल्यू बराबर हो। मतलब क्या है, देखें ये कह रहे हैं पी और क्यू, ये सेंटेंस और ये पूरा सेंटेंस के आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब जो इसका आंसर आता है वो इसका आंसर आता है। तो कैसे पता चलेगा, आपने अगेन पी क्यू लिखा, पी और क्यू ये निकाल लिया और ये कॉम्प्लेक्स निकाल लिया। अगर ये हर वैल्यू बराबर है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू 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 ट्रू, तो मैं कह सकता हूँ ये सेंटेंस इस सेंटेंस के क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। आर यू गेटिंग मी? लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे प्रूव होगा, आपने अगेन इसको ट्रू टेबल से वेरीफाई करना हो। सही है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल दी हुई है लॉजिकल इक्विवेलेंट की, ये और ये, मतलब ये देख लीजिएगा आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ये भी कम्यूटेटिव कहलाती है, एसोसिएटिव कहलाती है, एसोसिएटिव डबल निगेशन एलिमिनेशन, ये सो ऑन, ये आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये और ये आपस में बराबर होते हैं, ये और ये आपस में बराबर होते हैं, ये और ये आपस में बराबर, ये और ये, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमें कोई चीज गिविन हो, याद नहीं रखनी, अगर हमें कोई आदत या ऐसी चीज, तो हम क्या करेंगे, ट्रू टेबल से डिजाइन करके उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों हर इंस्टेंस में बराबर वैल्यूज देते हैं तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। सही है ना, ये देखिएगा, ये कुछ और है जो बिल्कुल डबल निगेशन वाले साइन है, देखें पी एंड क्यू एंड दिस आर ट्रू। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो हम इसका ट्रू टेबल बना के वेरीफाई कर सकते हैं, इन तीनों को देख लें एक दफा। सही है, तो ये आपस में क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट। अब यहां पर जो है ना, इस प्रोपोजिशनल लॉजिक में लिमिटेशन क्या है, कि देखें कैन ओनली रिप्रेजेंट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, द बॉल कलर इज ब्लू, कंप्लीट सेंटेंस होता है, कैन नॉट एनालाइज द इंटरनल स्टेज ऑफ द सेंटेंस, नो क्वांटिफायर, मतलब सिर्फ एक की बात हो रही होती है, एक से ज्यादा की बात नहीं कर सकता आप इसमें, सिर्फ एक की बात हो रही होती है, एक से ज्यादा की बात नहीं कर सकता आप लोग इसमें। मतलब अभी मैं बात कर रहा था किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की कर सकता हूँ, किसी एक दिन बारिश हो रही है या नहीं हो रही, मैं एक से ज्यादा दिनों की बात नहीं कर सकता। कोई सेंटेंस प्रूफ करने के लिए फ्रेमवर्क नहीं होता कि मतलब मैं अगर कोई सिनेरियो प्रूफ करना चाह रहा हूँ तो कर नहीं सकता। ये देखें, अब अगर मैं एक से ज्यादा की बात करूं, ऑल वुमेन्स आर मॉर्टल, ऑल वुमेन्स आर ह्यूमंस, देयरफॉर ऑल वुमेन्स आर मॉर्टल, तो ये लिमिटेशन है, एक से ज्यादा की बात नहीं हो सकती इनके अंदर। अब ये ऑल वुमेन्स आर मॉर्टल, सिर्फ ये एक से ज्यादा की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही, तो ये लिमिटेशन है कि किसी स्पेसिफिक के लिए या एक से ज्यादा के लिए हमारी लिमिटेशन है। तो हम इस पर फिर आ जाते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक से, कहां पर, प्रेडिकेट कैलकुलस पर आ जाते हैं।
और प्रेडिकेट कैलकुलस क्या है हमारी फर्स्ट लॉजिक, प्रेडिकेट कैलकुलस क्या है हमारी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक।